बड़ी खबर यूपी से आ रही है। मीरगंज में ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी है। भीषण हादसा हुआ है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत की खबर आ रही है। कई लोग हादसे में घायल हुए हैं। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और राहत और बचाव कार्रवाई शुरू कर दिया गया है। बरेली से लकड़ी लेकर रामपुर की ओर यह ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही थी, जिसको ट्रक ने टक्कर मार दी है। मीरगंज थाने के फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र की एक घटना निकलकर सामने आ रही है, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। मीरगंज में ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी है और हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो चुके हैं, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और राहत और बचाव कार्रवाई शुरू कर दिया गया है। बरेली से लकड़ी लेकर रामपुर की ओर यह ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही थी, जो हादसे का शिकार हुई है। मीरगंज थाने के फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र की एक घटना निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। आज सुबह ही ये सड़क हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से मृतकों को बाहर निकाला जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और जो इस हादसे में लोग हादसे का शिकार हुए हैं, उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। लकड़ियों के बीच में लोग फंसे हुए हैं। राहत और बचाव कार्य जोरों पर चल रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक के बीच यह टक्कर हुई है। तो कितना दर्दनाक यह सड़क हादसा हुआ है, इसकी गवाही ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस और प्रशासन की टीम हालांकि मौके पर पहुंच चुकी है और एक व्यक्ति की इस हादसे में मौत हुई है। मीरगंज थाने के फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र का यह मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज सुबह ही दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। मीरगंज में ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी है और इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और राहत बचाव कार्य चल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ मीरगंज से हमारे संवाददाता आदर्श दिवाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श, जो व्यक्ति इस हादसे में घायल हुए हैं, उनकी तबीयत इस वक्त कैसी बताई जा रही है? क्या उन्हें प्राथमिक उपचार अब तक दे दिया गया है? हाँ जी मुकुल जी, ऐसा है जैसे कि बरेली की तरफ से रामपुर की तरफ ये ट्रैक्टर ट्रॉली लकड़ी भर के जा रही थी, पीछे से साइड ट्रक ने आगे की साइड से टक्कर मार दी, जिससे ट्रॉली ट्रैक्टर दोनों पलट गए और मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई। दो गंभीर हालत में स्थिति में है। बहुत ही मुश्किल है बचना और राहत कार्य बचाव चल रहा है। इसमें एक अभी निकाल लिया गया है, दूसरा भी निकाला जा रहा है, जिसमें से अभी दो ही लोग निकले हैं तीन में से और एक की मौत फिलहाल हो चुकी है, हो गई है और दूसरे की भी हालत में स्थिति बहुत ही नाजुक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श दिवाकर तमाम जानकारी के लिए। तो इस हादसे में एक शख्स की दर्दनाक मौत हो चुकी है और मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो हादसे का शिकार लोग हुए हैं उनकी हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। हालांकि पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है।